वाले स्टॉक्स कौन से हैं, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। इस वक्त मिड कैप में कौन से शेयर्स हैं जिन पर नजर रहेगी, शिल्पा मेडिकेयर, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और हैटसन एग्रो, ये तीन शेयर्स हैं जिस पर आज नजर रहेगी। शिल्पा मेडिकेयर में उछाल नजर आ रहा है, तेलंगाना प्लांट को कनाडा से मंजूरी मिलती हुई दिखी, खबर आती हुई दिखी है और इसके बाद एक न्यूज फ्लो है जो कि स्टॉक में आप देख पाएंगे। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में खरीदारी है, आरबीआई की एजेंसी अब बैंक के तौर पर नियुक्ति होने के बाद इस स्टॉक में भी एक मूव आता हुआ नजर आ रहा है। और हैटसन एग्रो की आज फर्राटा दौड़ है, काफी मजबूती के साथ स्टॉक में एक्शन। 3 दिसंबर को राइट्स इश्यू पर बैठक है और साथ ही डेयरी इंडस्ट्री के लिए काफी सारा एक्शन और काफी सारी डिमांड है जो कि लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। इसके चलते डेयरी एक्शन इन फोकस है। कल ब्रिटानिया की तरफ से भी एक खबर आती हुई दिखी थी, ब्रिटानिया की आज बोर्ड मीट भी है जिस पर स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट हो सकते हैं और हैटसन एग्रो भी इन दी सेम कैटेगरी आज मिड कैप में एक्शन दिखाते हुए। लेकिन मिड कैप में और कहां पर एक्शन है, कौन से स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में हैं, कहां पर गिरावट नजर आ रही है और साथ ही कौन सी थीम बेस्ड सेक्टर्स हैं वो भी जान लेते हैं। बताने के लिए हर रोज की तरह वामाक्षी हमारे साथ जुड़ी है। गुड आफ्टरनून वामाक्षी, बताएं। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून मानसी। शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो हम देख रहे हैं पूरा आईटी पैक फोकस में है, यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है और इसी आईटी पैक में से हम देख रहे हैं कि दो कंस्टिट्यूएंट शामिल है। एलटीटीएस चार दिन से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में गिरावट थी, मगर आज स्टॉक में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। इनफैक्ट जुलाई 15, 2021 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है एलटीटीएस के लिए। परसिस्टेंट भी 8 दिन से ये स्टॉक में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और आज भी हम देख रहे हैं स्टॉक करीब 5% तक चढ़ा है। दाल में और भारत 8 दिन से ये स्टॉक में भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी मजबूती नज़र आ रही है। हनीवेल ऑटोमेशन भी फोकस में है और 2 दिन से हरे निशान में नज़र आ रहा है ये स्टॉक। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स, अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये लिस्ट में शामिल होता है। 2 दिन की तेजी के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में आज गिरावट नजर आ रही है, 4% तक टूटा है ये स्टॉक। इमामी भी 5 दिन की तेजी के बाद आज लाल निशान में नजर आ रहा है और मदरसन सुमी वायरिंग 3 दिन की तेजी के बाद आज इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि गिरावट नजर आ रही है। बैंक ऑफ इंडिया पर भी फोकस करिएगा, पीएसयू बैंक्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में थे मगर अब हम देख रहे हैं कि 2 दिन से बैंक ऑफ इंडिया दबाव में है और आज करीब 1% से अधिक टूटा है। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छी तेजी नजर आ रही है। तो अगर केमिकल स्टॉक्स की बात करें तो कैम्प्लास, सानमार, सोलार इंडस्ट्रीज, रेन इंडस्ट्रीज, अतुल लिमिटेड जैसे सारे स्टॉक्स 3 से 7% तक चढ़े हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। सीमेंट स्टॉक्स भी फोकस में है, हम जैसे कि हमने हाईलाइट किया था दालमिया भारत हमारे टॉप गेनिंग लिस्ट में शामिल है और उसके अलावा दूसरे भी सीमेंट कंपनीज है जो आज के ट्रेडिंग सेशन में गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। दालमिया भारत, ओरियन सीमेंट, बिरला कॉपचे के सीमेंट जैसे सारे सीमेंट शेयर आज हरे निशान में नजर आ रहे हैं, 2 से 5% की तेजी इन सारे शेयरों में भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल है, तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और बजिंग स्टॉक्स मिड कैप स्पेस में इस वक्त कैसा दिखाई दे रहा है ये हमें वामाक्षी बता रही थी। वामाक्षी इसके अलावा ये भी बताइए कि खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एस्को स्कूबोटा से। तो ऑटो कंपनीज अपने ऑटो जो बिक्री के आंकड़े हैं वो पेश कर रहे हैं आज और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऑटो कंपनीज फोकस में है मगर एस्को स्कूबोटा पर हम फोकस करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर सेल्स 7,960 यूनिट्स पर आए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं करीब 12% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ। अगर ईटीनाव एस्टिमेट्स के कंपेयर करें, ईटीनाव एस्टिमेट था 7,372 यूनिट्स था तो उससे भी बढ़कर आया है ये आंकड़ा और इसी के चलते हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है एस्को स्कूबोटा में, करीब 2.5% से ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। बीएसटी टिलर ट्रैक्टर्स ने भी अपने नंबर पेश किए हैं, नवंबर सेल्स का जो आंकड़ा है यहाँ पर हल्की सी गिरावट देखने मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 2,723 यूनिट से गिरकर 2,592 यूनिट्स रिपोर्ट किए हैं नवंबर के महीने में, करीब 5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डी ग्रोथ देखने मिली है बीएसटी टिलर्स में और इसी के मगर इसके बावजूद हम देख रहे हैं स्टॉक में आज अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, 1.5% से ऊपर चढ़ा है ये स्टॉक। एसएसडब्ल्यू भी फोकस में है, यहाँ पर कंपनी ने 17% नेट सेल्स टर्नओवर ग्रोथ रिपोर्ट की है जिसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में है। इसके अलावा हम देखेंगे अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्प भी हमारे रेडार पर है, कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 2 रिसेंटली अक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड बिटुमिनम वेसल्स को इंडक्ट कर रहे हैं जिसके चलते ये स्टॉक पर भी नजर रखेगा, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 2.5% की तेजी।
एब्सोल्युटली वामाक्षी, बहुत शुक्रिया आपका। ढेर सारी खबरें और सारे के सारे स्टॉक्स चुके एक्शन में थे हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं, थीम्स हैं, सीमेंट में लगातार एक्शन हम देख रहे हैं, लेकिन आज ऑटो बिक्री के आंकड़ों के चलते कुछ स्टॉक्स हैं जो कि एक्शन में नजर आ रहे हैं। जैसे अभी अभी वामाक्षी ने बताया एस्कॉर्ट्स के बोटा, जब नंबर आए स्टॉक में इतना रिएक्शन नहीं था, लेकिन तब भी हमने आपको बताया था कि एस्कॉर्ट्स के बोटा कुछ समय पहले मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री भी आती हुई दिखी थी, ग्रोथ प्लान्स भी काफ़ी इंटैक्ट थे, और इस वक्त जो नंबर्स आए हैं ऑटो बिक्री के, देखिए ट्रैक्टर बिक्री जो है अनुमान से भी ज्यादा आई है, और पिछले साल के मुकाबले देखे तो भी ये बिक्री के आंकड़े जो है वो बढ़कर आए हैं सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 12% अपटेक यहाँ पर। सुबह से लेकर अब तक स्टॉक में एक रिएक्शन आया है, पॉजिटिव रिएक्शन है। स्वाति, इस पर आपकी राय क्या होगी? ऑटोमोबाइल ऑटो बिक्री के आंकड़ों के चलते तो फोकस में है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी हद तक एक्शन दिखा रहा है इन दिनों। यस डेफिनेटली, ऑटो पैक्स काफी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर कर रहे हैं। अगर एस्कॉर्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली सितंबर से ये काउंटर नॉनस्टॉप अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, जिस हिसाब से लास्ट एक डेढ़ साल हम लोग ने देखा है काफी साइडवेज मोमेंटम या डाउनफॉल में चल रहा था, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था। सितंबर में उसने एक ब्रेकआउट दिया है डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का, वहां से ये अपट्रेंड में कंटिन्यू है, अभी भी ये कंटिन्यूस ऑल टाइम न्यू हाइस बनाते जा रहे हैं। मुझे लगता है ये कंटिन्यू हो सकती है रैली 2500 के लेवल तक, तो वहां तक भी अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट। एंड अगर वो भी ब्रेकआउट दे देते हैं तो 2700 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। बट करंट लेवल पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस लेना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं होगा, बट इफ यू आर गेटिंग एनी डिप्स टुवर्ड्स 2200 और 2150 के आसपास, वो रेंज में अगर कोई भी डीप आता है तो यू कैन एड ऑन द फ्रेश पोजीशन। बट जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। मुझे लगता है ये इसमें स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, जब तक 2280 के लेवल्स होल्ड करता है वो एक अपने प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखे, अब अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो फॉर 2500 टारगेट। ऑल राइट, ठीक है, तो ये राय एस्कॉर्ट्स कुबोता में आ चुकी है, 2.5% ऊपर इस वक्त। देखिए अच्छे सेल्स बिक्री आंकड़ों के चलते इस वक्त कारोबार कर रहा है, और भी नंबर्स आएंगे अभी एक एक करके जिस पर की हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं जो कि आज फोकस में है, और उसमें शिल्पा मेडिकेयर। देखिए यहाँ पर करीब 9% का उछाल आज देखने को मिल रहा है। कंपनी की तेलंगाना प्लांट से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि कनाडा GMP अप्रूवल मिल चुकी है, और ये खबर कल शाम को आई, और आज देखिए करीब 9% की मजबूती के साथ यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दी, और अभी भी 306 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। स्वाति, क्या करना चाहिए स्टॉक में? यहाँ पर भी हमने देखा एक गिरावट का ट्रेंड था, अब आज ये जो उछाल आया है इसमें आप निकल जाने की राय देंगी या फिर अभी भी बने रहना चाहिए स्टॉक में? ये ओवरऑल ट्रेंड शिल्पा मेडिकेयर का मैं देखो 2021 से तो कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर में, तो ऑलमोस्ट 650 से हम लोग ने 270 के आसपास देखा है। ये न्यूज बेस मूवमेंट हमें देखने मिल रहा है ऑन द पॉजिटिव साइड, तो मुझे नहीं लगता है कोई मेजर ट्रेंड चेंज है एट सच। ये एक न्यूज आ गई उसके वजह से एक पुल बैक रैली हमें नजर आ गई जो प्रोबेबली काफी शॉर्ट लिव्ड रहेगी, 310-320 तक मैक्सिमम मुझे लगता है ये रैली एक्सटेंड हो सकती है, उसके ऊपर ज्यादा मेजर हमें पुल बैक रैली नजर नहीं आएगी। तो इससे जिनके पास भी नीचे के बाइंग्स हो तो उन्होंने प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए या सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। आई डोंट बिलीव कि इसमें कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन एट करंट मार्केट प्राइस इनिशिएट करनी चाहिए। चलिए, तो ये राय आपको शिल्पा मेडिकल पर मिली है, लेकिन